और चलिए बढ़ते आगे बात कुछ और खबरों की। कुशीनगर से बड़ी खबर, अस्पताल में कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। सीएससी का एक फोटो वायरल हो रहा है, कुत्ते का फोटो वायरल हो रहा है, मुंह में कुछ दबाकर ले जा रहा है कुत्ता। चार दिन पहले कुत्ते का अस्पताल में घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की थी कार्रवाई इस फोटो के वायरल होने के बाद। तो कुशीनगर से ये बड़ी खबर है, अस्पताल में कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। सीएससी का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता अपने मुंह में दबाकर कुछ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चार दिन पहले कुत्ते का अस्पताल में घूमते वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई करवाई थी। तो ये कुशीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर में देखिए किस तरह से एक कुत्ता अस्पताल परिसर में बेखौफ होकर घूमता हुआ नजर आ रहा है और अस्पताल से ही कुछ अपने मुंह में दबाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुशीनगर सीएससी की ये फोटो वायरल हुई है, तो कुत्ते का फोटो वायरल हुआ है। कुशीनगर से बड़ी खबर, अस्पताल में कुत्तों का आतंक देखने को मिला। सीएससी का एक फोटो वायरल हुआ है जो आप देख भी सकते हैं कि एक कुत्ता अपने मुंह में कुछ दबाकर अस्पताल से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चार दिन पहले भी कुत्ते का अस्पताल में घूमते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में एसएन शुक्ला कुशीनगर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन, जो तस्वीरें वायरल हुई हैं कुत्ते की अस्पताल की, सीएससी से कुछ मुंह में अपने दबाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तस्वीरें कब की बताई जा रही है? और फिलहाल जैसे कि तस्वीरों से साफ पता चला है कि जो कुशीनगर का सीएससी है वहां की हालात कैसे हैं? देखिए, अभी दो दिन पहले जिला अस्पताल में, चार दिन पहले जिला अस्पताल में एक वीडियो वायरल हुआ था जो घायल मरीज को के खून को कुत्ता चाट रहा था। और आज दुदही सीएससी है जहां एक कुत्ता जो है मुंह में लोथड़ा कुछ लेकर के जा रहा है। तो इससे जो है स्पष्ट हो रहा है कि कितना लापरवाह स्वास्थ्य विभाग है और इसके अधिकारी कुशीनगर में बने हुए हैं। अभी चार दिन पहले जो कार्रवाई हुई उसे सबक भी नहीं लिए और लगातार इस तरह से कुत्ते सीएससी पीएससी पर और जिला अस्पताल पर घूम रहे हैं और स्वास्थ्य महकमा इसका जो है संज्ञान नहीं ले रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। जी ठीक है एसएन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और अलीगढ़ से बड़ी खबर है, अमरूद चोरी के आरोपी की पिटाई का मामला है। पिटाई के बाद आरोपी युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पिटाई के दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। गंगेरी पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। अलीगढ़ में अमरूद चोरी के आरोप में युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीट पीट कर हत्या करने वाले के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अलीगढ़ का यह मामला है, अमरूद चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई की गई थी जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। उसके मारा है, इतना मोटा डंडा है, वो पेड़ पे टंग रहा है, अभी उसको मारा है बुरी तरह से। और जो मतलब मैं लेके आया हूँ, जो मतलब रास्ते में पहुँचा हूँ उतने में वो खत्म हो गया। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि मेरे लिए मेरे भाई का न्याय चाहिए। थाना क्षेत्र गंगेरी में आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि गांव मनेना में एक मारपीट हुई है जिसमें ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति घायल है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और ओम प्रकाश को हॉस्पिटल भिजवाया गया जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद नगर के सिरोधन रोड पर महिला सफाईकर्मी के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया। घटना को लेकर सफाईकर्मियों में आक्रोश दिखा है। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सफाईकर्मियों ने कामकाज बंद कर सिकंदराबाद कोतवाली का घेराव किया। आक्रोश बढ़ता देख पुलिस ने आरोपी युवक को भी हिरासत में लिया है और सफाईकर्मियों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया है।
कासगंज से बड़ी खबर है, नेवली शुगर मिल पर कार्रवाई। शुगर मिल के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीएम ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है। गन्ना किसानों का नहीं किया गया था भुगतान। डीएम हर्षिता माथुर ने के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। शुगर मिल के प्रबंध निदेशक कुणाल यादव पर केस दर्ज किया गया है। महाप्रबंधक शुगर सेल समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पिराई सत्र 2021 और 22 का करीब 36 करोड़ बकाया है। किसानों कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद अब कार्रवाई देखने को मिला है। डीएम हर्षिता माथुर के निर्देश पर एफआईआर की गई है। फरुखाबाद के कमालगंज में प्रेमी जोड़े की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। प्रेमी जोड़े की हत्या का आरोप प्रेमिका के भाई पर लगा है। आरोपी ने हत्या के बाद दोनों के शव को झाड़ियों में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात प्रेमिका शिवानी घर से गायब हो गई थी और देर रात एक बाग में प्रेमी रामकरण के साथ प्रेमिका शिवानी की लाश मिली। प्रेमिका के भाई ने नीटू ने दोनों को अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत मारा पीटा और इसके बाद दोनों की गला रेतकर हत्या कर दी। आज सुबह 6 बजे थाने पहुंचकर शिवानी के भाई ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहन शिवानी और रामकरण की हत्या कर दी है। डबल मर्डर से थाने में हड़कंप मच गया। सूचना मिले पर एसपी अशोक मीणा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को गहनता से देखा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आज सुबह थाना कमालगंज के अंतर्गत नीतू पुत्र भैयालाल निवासी राघोपुर सराय मेधा, ये थाने पर स्वयं आकर इसने जानकारी दी कि उसने उसकी बहन और उसका जो प्रेमी रामकरण जाटव है उसकी गला काटकर हत्या कर दी है और डेड बॉडी को फेंक आया है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जो क्राइम सीन था उसको सुरक्षित किया गया। जो तहरीर आदि की तरफ से दी गई है उसके अंदर अभी उसने 4 लोगों को नामजद किया है। और सोनभद्र से बड़ी खबर है, रेलवे ट्रैक पर धंसा मिट्टी का टीला धंसने से करीब 2 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। ट्रैक के किनारे कई फीट गहरा मिट्टी का टीला धंस गया है, जिसकी वजह से ट्रैक पर आवाजाही प्रभावित हुई है। रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का टीला धंसा है, जिसकी तस्वीरें देखिए सामने आई है। टीला धंसने की वजह से करीब 2 पैसेंजर ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई है। देखिए, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर जिस वक्त यहां से ट्रेन गुजरती उस वक्त ये टीला धंसता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टला है। कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, कई ट्रेनें प्रभावित भी हुई हैं। ट्रैक के किनारे कई फीट गहरा मिट्टी का टीला धंस गया है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो सोनभद्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर ट्रैक के किनारे मिट्टी का टीला धंस गया है, जिसकी वजह से ट्रैक पर आवाजाही प्रभावित हुई है। कई ट्रेनें कैंसिल भी कर दी गई हैं, करीब 2 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। लेकिन जिस वक्त यहां से ट्रेन गुजरती उस वक्त अगर ये टीला धंसता तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो कई फीट गहरा मिट्टी का टीला यह धंसा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सोनभद्र की ये तस्वीरें हैं, करीब 2 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, कई ट्रेनें प्रभावित भी हुई हैं। तो सोनभद्र में बड़ा हादसा होने से टला है। सोनभद्र में रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का टीला धंस गया है, तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि कितना गहरा यह टीला है। एक बड़ा हादसा भी हो सकता था अगर जिस वक्त इस ट्रैक से ट्रेन गुजरती उस वक्त यह टीला धंसता था। बढ़ते आगे, बलरामपुर में एक बेबस पति अपनी मरी हुई पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने उसकी पत्नी को साल 2021 में कागजों में मृत दिखा दिया था, जिसके चलते उसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिला और 2022 में उसकी पत्नी की मौत हो गई। तब से उसका पति अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रहा है और दोषी ग्राम प्रधान के पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं अब इस मामले में सीडीओ संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कागज निकलवा तो हमारे औरत को सन 2021 में मृत घोषित कर दिया, इसलिए इलाज नहीं हो पाया। 28 अक्टूबर को रात में वो 2 बजे इंतकाल हो गई, मर गई। मैंने 2022 में सेक्रेटरी और गांव का प्रधान दिल दे, इन्होंने मृत घोषित कर दिया।
और वाराणसी में पड़ोसी सिपाही के परिजनों की धमकी के बाद एक छात्र के आत्महत्या का मामला सामने आया है। पूरा मामला सारनाथ इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर एक छात्र पड़ोसी सिपाही के परिजनों की धमकी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक प्रिंस के पिता ने पड़ोसी सिपाही के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। पिता के मुताबिक आए दिन सिपाही का परिवार उसके बच्चे को झूठे केस में फंसाने की धमकी देता था, जिससे परेशान होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया। और अपराध की रोकथाम सहित संकट और आपातकालीन परिस्थितियों में जनता को तत्काल सुरक्षा देने वाली डायल 112 पीआरपी पुलिस महोबा में सांप पकड़ने पहुंच गई। दरअसल एक बच्चे ने 112 डायल कर सूचना दी कि पड़ोस की दादी के यहां कई दिनों से सांप आ रहा है, जो परेशान कर रहा था, जिसके बाद पहुंची पुलिस टीम ने सांप को तलाशना शुरू किया और सांप को पकड़ने की पुलिस के जवानों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और बेरंग ही वापस लौट गए। सांप को तलाशती पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमने 112 नंबर पे डायल किया था पुलिस अंकल जी को, और वो हमारे घर पे आए हुए हैं क्योंकि 2-3 दिन से हमारे यहाँ सांप घुसा है दादी के यहाँ, और वो परेशान कर रहा है। हम लोग बाहर निकलते हैं तो वो बाहर निकल के हम लोग को परेशान करता है, तो आज हम लोग ने सोचा कि 112 नंबर पे डायल करके उन लोग को बुलाएं। देवरिया डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्माणाधीन राजकीय आईआईटी का निरीक्षण किया है, और इस दौरान निर्माण कार्य में देरी और खामियां मिलने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि इसका निर्माण अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था और अप्रैल 2021 तक निर्माण पूरा होना था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है। आईटीआई बन रही है पकड़ी बाजार में रुद्रपुर देवरिया में, जो इसकी पीडब्ल्यूडी का निर्माण शाखा इसको बना रही है। 2-3 इसमें काफी गंभीर अनियमितताएं हैं। एक तो जो बिल्डिंग अप्रैल 20 में स्टार्ट हुई थी और अप्रैल 21 में पूरी होनी थी, दूसरा निर्माण की जो गुणवत्ता है वो काफी खराब है। इसके लिए मंडली टीएसी के रिकमेंडेशन कर रहे हैं और जो उत्तरदायी अधिकारी यहां पर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भदोही से बड़ी खबर है, खड़े ट्रक से टकराई है बाइक। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसा हुआ है, खड़े ट्रक से बाइक के टकराने से यह हादसा हुआ है। औरैया कोतवाली क्षेत्र के NH-19 की घटना बताई जा रही है। तो भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर, भदोही में भीषण सड़क हादसा हुआ है, खड़े ट्रक से बाइक टकराई है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर, भदोही में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खड़े ट्रक से एक बाइक टकराई और सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तो भदोही में भीषण सड़क हादसा हुआ है, खड़े ट्रक से बाइक के टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई है। और एक कोतवाली क्षेत्र के NH-19 की घटना बताई जा रही है। और नोएडा से बड़ी खबर है, ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। ग्रेव 4 लागू होने के बाद एडवाइजरी जारी की गई। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से जाएंगे सभी प्रतिबंधित वाहन। नोएडा में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण है और आज नोएडा का AQI 339 दर्ज किया गया है। तो नोएडा से बड़ी खबर, ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। ग्रेव 4 लागू होने के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से जाएंगी सभी प्रतिबंधित गाड़ियां। नोएडा में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण बना हुआ है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या अपडेट, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली NCR में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद ग्रेव 4 लागू कर दिया और सख्ती से तमाम नियमों का पालन कराया जा रहा है, उसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की है। जितने भी ट्रक दूसरे राज्यों से या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से नोएडा से होते हुए दिल्ली में दाखिल होते थे, जो प्रतिबंधित जो भी वाहन है जो बैन किए गए दिल्ली में एंट्री को लेकर, उन सबको अब पहले होता यह था कि DND या कालंदी कुंज या जिला बॉर्डर से तमाम ट्रक एंट्री करते थे, लेकिन अब वहां तक उनको नहीं जाने दिया जाएगा। 0 पॉइंट जो यमुना एक्सप्रेस वे है वहां से उन्हें ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ भेजा जाएगा और अन्य जो वैकल्पिक मार्ग हैं उन मार्गों से तमाम ट्रकों को निकाला जाएगा। तो इससे जो नोएडा के अंदर डीजल वाले वाहन आया करते थे वो भी रुक जाएंगे और दूसरी तरफ दिल्ली में प्रवेश पर इन फिरोक को लेकर सख्ती
से पालन किया जाएगा, इस तरीके का आदेश डीसीपी ट्रैफिक द्वारा दिया गया है। क्योंकि पॉल्यूशन की बात की जाए तो आज भी 339 AQI बना हुआ लगातार इस स्तर पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।